गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू लाइफ ऑन व्हील्स विद एंडी। 6:45 AM हो रहे हैं सुबह के, और आज 28 मार्च 2023 रोहतक जा रहे हैं हम। दिल्ली में अक्षरधाम पर हैं, तो 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। कल रात को दिखा था तो 3 घंटे का दिखा रहा था, और 3 डिफरेंट रास्ते दिखा रहा था। एक दिखा रहा था भादुलगढ़ से, जो कि यूजली हम लेते हैं। इस बार दिखा रहा था ईस्टर्न पेरिफेरल से, गाजियाबाद की तरफ से, और फिर मूर्थल के पास से क्रॉस करके वेस्टर्न पेरिफेरल में। तो देखते हैं अभी कौन सा दिखा रहा है, उस हिसाब से जाते हैं। 3 डिफरेंट रास्ते दिखा रहा था, एक रोहिणी साइड से भी दिखा रहा था। तो लेट्स सी कौन सा हम लेंगे। सी यू। गुड मॉर्निंग गाइस, आधा घंटा हो गया है तो हम दिल्ली से चले थे रोहतक के लिए अक्षरधाम से। तो 3 रास्ते दिखा रहा था, बट हमने लिया है ISBT वाला, और अब रोहिणी की तरफ जा रहे हैं, मुकरबा चौक की तरफ। तो ये सबसे कम टाइम दिखा रहा था, इसलिए चूज किया भादुरगढ़ वाला जो रिंग रोड लेते हुए था वो नहीं लिया हमने। हम ये नहीं, ये ISBT अक्षरधाम ISBT एंड देन मुकरबा चौक। अभी हम क्रॉस ही कर रहे हैं मेन हाईवे चंडीगढ़ वाला। तो ये है, हमने ईस्टर्न पेरिफेरल वाला आज नहीं लिया बिकॉज वो ज़्यादा टाइम दिखा रहा था, आधा घंटा एक्स्ट्रा दिखा रहा था, और उसमें 40 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा भी थे। ये ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वो 140 किलोमीटर्स का था। बट अगर रात में या आप बिजी टाइम में ट्रैवल करें तो वही रास्ता दिखाता है अक्षरधाम से दिल्ली से, अगर आपको रोहतक जाना है, क्योंकि उसमें क्या है आपका टाइम सेव होता है। एनीवे अभी हम 30 किलोमीटर्स के करीब हो गया है पहले आधे घंटे में, तो ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, तो स्मूथ ड्राइव है। चलिए आप भी एंजॉय कीजिए जर्नी। टेक केयर। Thank you.
मॉर्निंग दोस्तों, एक घंटा हो गया है, 7:49 हो रहे हैं, 6:45 पर हम ऑलमोस्ट चले थे, 50 किलोमीटर्स कवर हो गया, टिकरी बॉर्डर पर हम इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि दिल्ली से रोहतक जा रहे हैं 100 किलोमीटर है, तो हाफ ऑफ द रास्ता इज कवर्ड ऑलरेडी। हमने रूट लिया अक्षरधाम से आईएसबीटी से मुकलबा चौक, मधुबन चौक होते हुए रोहिणी होते हुए, और उसके बाद हमने पीरागढ़ी पहुंचे, पीरागढ़ी से राइट ले लिया, उसके बाद मुंडका, फिर अब हम टिकरी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत रीजनेबल मिला है, हम बहुत बार पहले भी जा चुके हैं रोहतक, आज बहुत ही कम है ट्रैफिक में, भी सुबह का टाइम है इसलिए। चलिए फिर टेक केयर। दोस्तों, तो हम सांपला के पास हैं, ये देसी धानी रेस्टोरेंट है, देसी घी में खाना मिलता है यहाँ, ब्रेकफास्ट किया हमने, परांठे खाए हैं, चाय पी है। डेढ़ घंटे में हम यहाँ पहुँच गए, अराउंड 70 किलोमीटर्स कवर हो गया, यहाँ से आधे घंटे या 40 मिनट लगेंगे रोहतक पहुँचने में। तो जैसे टिकरी बॉर्डर तक मैंने बताया था हम आए थे, उसके बाद हमने लेफ्ट ले लिया हाईवे पर, बहादुरगढ़ से नहीं निकले हैं हम, सो लेफ्ट लेके यहाँ पे इस रूट से आ रहे हैं, अब यही लेते हैं, पहले जाया करते थे बहादुरगढ़ से जब ये नहीं बना था, काफ़ी साल पुरानी बात है, पाँच छः साल पुरानी बात है, ये 7 साल पुरानी बात है इनफैक्ट, तब हम सीधा लेते थे, तो अब तो ये हाईवे लेफ्ट लेके जाते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए जर्नी आप भी। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो हम पहुंच गए हैं 2 घंटे में रोहतक, आधे घंटे का हमने बीच में ब्रेक लिया था, तो टोटल 2.5 घंटे लगे हैं, और एंजॉय कीजिए सफर आप भी, फिर वापस की भी जर्नी आपको दिखाएंगे अपनी अगली वीडियो में।
Thank you.